मैं तीन चार दिन से इंटरव्यूज में यही बता रही हूँ कि मुझे पॉलिटिशियन बनने का दिल चाह रहा है कि मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की नॉट एग्जैक्टली करूं लेकिन एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर करना चाहती हूं यहाँ बायोपिक नहीं बनती आ, आप बनाना चाहेंगे भी तो बड़े मसले हैं नहीं बनने देंगे बहुत मसले नहीं दारों के मसले हैं तो मैं चाहती हूं कि मैं इदारों के मसले और इरादों के मसले मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस का मिक्सचर एक कैरेक्टर करूँ क्योंकि सारे तो सेम ही है, से है। तो मालिक बहन हो गई तो नो क्या सबसे हाइस्ट ग्रोसर कितनी रही है पैंतीस करोड़ पैंतीस करोड़ पैंतीस करोड़ चालीस करोड़ करोड़ अगर इस फिल्म में जुनेद भी है So, तो कहते हैं आप लॉन्ग का कर शूट करेंगे मेरे को पैसे मिलेंगे लगता <laughs> <laughs> <सवार> है मेरा <laughs> Fair बहुत Fair मैंने कहा फिफ्टी 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 थाउजेंड साथ में कपड़े मिलेंगे <laughs> अच्छा तो काम ही नहीं <laughs> आ, कहीं ऐसा भी होता है कुछ पता नहीं होता वो अपने से आप रिलेशनशिप में <laughs> <क्या करता> <laughs> भी <laughs> oh हो तो होता तो है मेरे साथ ड्रामे नहीं करती का मार्जिन रखते हैं क्योंकि हम भी इंसान है हमसे गलत

हाँ भाई क्या हाल है भैया एडवांस ईद मुबारक आप सबको और कई सालों से हम सुन रहे थे जी घबराना नहीं है वो आवाज़ें फिर साइड हो गई लेकिन अभी थोड़ी और उसकी आवाज़ आनी है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म आने वाली है ईद उफितर में विच इज़ कॉल्ड घबराना नहीं है सो सो आई एम विद सबा एंड सबसे पहले आप सबसे सवाल है घबराना क्यों नहीं है बिकॉज ये तो होता रहेगा <laughs> uh, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए तो हर बुरी चीज़ पे हर ऐसी सिचुएशन पे जहाँ आपको लगे कि ओ अब कुछ होप नहीं रही mm -hmm. तो घबराना नहीं इतना घबरा लिया इतना घबरा लिया घबरा हो गई इसलिए छोड़ दो यार अब कुछ नहीं हो सकते घबरा सो विदाउट टेलिंग द प्लॉट ये फिल्म क्या कह रही है यार इट्स अ कॉमेडी क्राइम कीपर And uh, I think I can very confidently say one of the first few films which is plot driven and completely sticks to the plot does not waver from the plot, mm. which is, in my opinion, you know, uh, one of the strengths of this film, whereas previous Pakistani films might have, mm -hmm. but, you know, wavered away from their plot. So, yeah, that's what I, I would describe it as a comedy crime caper. इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म फुल ऑफ फन laughter's आपको बहुत मज़ा आएगा एक ही फिल्म में आपको emotions मिलेंगे एक्शन मिलेगा रोमांस मिलेगा दोस्ती मिलेगी प्यार मिलेंगे रिश्ते मिलेंगे तो जब आपको एक दो ढाई घंटे की फिल्म में इतना सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है इतने अच्छे एक्टर्स मिल रहे हैं गाने मिल रहे हैं प्रोडक्शन मिल रही है विजुअली फिल्म बहुत अच्छी होगी तो चाहिए ईद के ऊपर इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो और सबसे जरूरी बात के शुगल मेला तो अपनी जगह लेकिन साथ कोई ना कोई पढ़ाई की बात भी होनी चाहिए तो इस फिल्म में सबक भी है।, सही। और सबक ये है कि औरत कुछ भी कर सकती है सही। नहीं कि सारे काम मर्द करे सही है। औरत जो है वो, वो भी जानदार होती वो है <laughs> <वोमन इंपार्वर्मेंट। laughs> मुझे लगता है वो उसको नहीं से बेटे वाला मान दिया है. Sorry. तो कुछ होता है मेरे के साथ इस फिल्म में तो mm -hmm. वो पहली बार उन्हें एहसास होता है कि आज मेरा बेटा होता तो मेरे साथ खड़ा होता oh. तो वो कहती कि मैं जाऊंगी आपके साथ मैं करूंगी मुकाबला मैं लड़ूंगी मैं हक की बात करूंगी तो आप कहता बेटी है तू यदि एक सेकेंड बचपन से लेकर आज तक आपने जो बेटे का मान दिया है वो एक पल में कैसे चला गया वो मान तो उसको मनाने के लिए उस चीज को प्रूव करने के लिए वो फिर घर से निकलती है झूठ बोल के कि इसको एक्टर बनना है स्टार बनना है टिकटॉक स्टार भी है

बाकी कहानी अपनी जगह है है नहीं बहुत ज़्यादा <laughs> फिर समोसे उस वाला है। में एक सर, एक हाँ। सर्कल भी बनता सर्कल है, बन है।, है, है। सर्कल okay. हाँ। भी भी <laughs> अच्छा का में तीन तीन हीरो है क्या बात है क्या रेंज है बड़ा मजा आया मुझे द केमिस्ट्री लाइक ऑन आप सबके दरमियान यू कैन सी दैट फ्रेंक uh, <laughs> हमने जिस तरह की आई थिंक जो फिल्म का टाइटल था ना वो हमारी फिल्म का काम करने का अंदाज था mm -hmm. हमने घबराना नहीं है Sorry. चाहे uh, कुछ भी हो जाता बिकॉज आर फिल्म वॉज इंटरप्टेड बाय करोना Yes. दो दिन का स्पेल <laughs> लग के उसके बाद बीच में कोरोना आ गया और फिर जब दोबारा भी शुरू किया तो इट वॉज यू नो ओके माहौल तो नहीं था, नहीं था। बहुत रिस्ट्रिक्शन बहुत कैंसिलेशन अच्छा बला। मुझे somehow, I feel, ये मेरी और है कि जो एक गैप आया था उसमें तो बहुत अच्छा था। मेरे लिए अच्छा मैं, मैं तो होमवर्क अच्छा, तो <laughs> करने का टाइम मिल गया था आपका आपका होता है ना फिल्म का आप कैरेक्टर बनाते हो सोचते हो मेरे वार्डरोब पे काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो गया अच्छा नहीं हुआ मेरे लिए बहुत भाई पहली बात तो ये मसल्स बनाए हुए थे इस फिल्म के लिए दो दिन मसल्स नजर आए उसके बाद मसले नजर आए <laughs> और दूसरी बात यह है कि मैंने धड़ाधड़ उसके बाद टीवी करना शुरू कर दिया था एंड वन द ड्रामा वन द फिल्म वॉज यू नो गेटिंग तो ही एक वो था कि भाई जल्दी जल्दी ये करना है और ये स्पेल डिजाइन हो, हो गया है और मेरा इसमें एक बड़ी डिस्टिंक लुक है कॉप की मूछों वाली तो मैं भाई अभी ऑलमोस्ट आप जितनी थे दाढ़ी रख के ड्रामा कर रहा था मिडल ऑफ़ शूटिंग ड्रामा, सो आप uh, कम कर सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो कम नहीं कर सकते देखो मैंने फिल्म का सेट वापस ज्वाइन करना था ना, हाँ, तो उसके लिए तो मुझे रखनी थी हाँ, तो मैं जब ड्रामे का सेट वापस ज्वाइन करूंगा जो साथ लेके चलना -सा था तो मैं जस्टिफाई कैसे करता कि भाई कहाँ गई दाड़ी तो ऐसे करें बस किसी को पता नहीं चलाटिंग <laughs> करते हैं लेकिन एक के लिए काफी मुश्किल होता है और फिर yeah. हमारे उस तरह के बजट भी नहीं है की चलो हमें एक फिल्म से इतना

प्रोमोशन पे निकले हुए हैं mm. तो वो कॉस्ट फ्रेंडली नहीं हो पाता है हमारे लोग समझते जी कोई पता नहीं क्या हो रहा है और कुछ नहीं आ, तो वो जो आपने प्रोजेक्ट्स वाली बात बोली ऑब्वियसली यू हैव टू मेक इकोनॉमिक सेंस इकोनॉमिकली वायबल भी चीज़ें yeah. हो तो, yeah. तो आप लोग बहुत सेक्रीफाइस कर रहे होते हो एंड देन इट दिस सो मच एट्स स्टेक पे आई डू अग्री आई विल नॉट फिल्म

आपसे हाँ। आप यही सवाल आगे पूछना था बट वीर ऑलरेडी ऑन सब्जेक्ट की हाउ डज इट फील टेस्टेड बॉलीवुड और आपने वहाँ पे भी काम किया वो फिल्म तीन सौ करोड़ पे गई थ्री हंड्रेड करोड़ इन चाइना I like the way बड़ा मज़ा आया मैं जुरे, <laughs> तरे तरे मैं जितने पैसे मिल जाए तो, <laughs> तो क्या एक बड़ा मजे का सुनाती हूँ बैंकॉक में एक टीवीसी के शूट के लिए गई थी राइट आफ्टर हिंदी मीडियम जब mm. वो रिलीज हुई थी mm. चाइना में तो वहाँ से एक उनका कोई ग्रुप और कोई आया हुआ था उसके किसी काम के लिए आया होगा कोई आई होगी कंपनी की तरफ से तो मैं लॉबी में खड़ी मेरे साथ एजेंसी के लोग और मेकअप आर्टिस्ट सब खड़े तो एक किसी किसीज ने मुझे पहचान लिया और वो फिर वो च्यू, 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 और और क्यों क्यों सब करने लगे मेरे पास आए एक ली तो नहीं वैसे कोई एक आया और एक के बाद फिर वो जो पूरा एक ग्रुप था उन सब ने मे पिक्चर लिया तो मेरी एजेंसी वाले हो गए ये चाइना में मेरी फिल्म चल रही है देख लो मेरा पैसे बढ़ा दो तो चाइनीज नाम को पहचान लिया।, हाँ, से पहचान लिया तो मैंने साथ ही ये जो क्लाइंट थे मेरे के पैसे बढ़ाए इतना पै और बढ़ा हाँ, हाँ, ना गया मुझे अच्छा एज एन आउटसाइडर जो जो व्यूअर्स होते हैं वो देखते हैं ड्रामा फिल्म वही सेट है वही लाइट्स है डायरेक्टर सब कुछ है बट ऑब्वियसली आप लोग टीवी भी किया है फ़र्क क्या है वाजे अगर आप ऑडियंस को समझा सकें क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों में आप, आप समझाना चाहेंगे मेरा एक्सपीरियंस जो कि दो तीन चार फिल्में चार मंटो लाहौर से आके हिंदी मीडियम हाँ अच्छा uh, मुझे लगता है कि फिल्में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और चूंकि स्क्रीन बहुत बड़ी होती है उसकी टाइमिंग डिफरेंट होती है आप एक आई भी ब्लिंक करते हो तो रजिस्टर होती है जिससे आज भी अगर हम दस साल पुरानी अपनी मूवीज जो हमने सिनेमा में जाके देखी है हमें याद है कि क्या कलर था सॉन्ग कौन सा था कहाँ उसने स्माइल दी कहाँ यू नो एक, -एक जेस्चर आपको याद रह जाता है और इसकी टाइमिंग शॉर्ट होती है फिल्म की डिलीवरी की डायलॉग्स की टीवी पे आपको बहुत मार्जिन होता है बहुत टाइम होता है सो so आप अपने एक्सप्रेशन को ड्रैग कर सकते हो अपने इमोशंस को ड्रैग कर सकते हो लेकिन फिल्म में ये नहीं होता फिल्म में आपको दिन में अगर दो सीन मिलने मिले हैं और उसको आपको हंड्रेड डिलीवर करना है उसमें फिर आपके पास Uh, वो नहीं है हेड टू to आपको एक्टिव पॉइंट hmm. hmm. होना बहुत है डिलीवरी में हाँ, hmm. आपके जो डायलॉग्स uh, हैं आपका जो मैसेज uh, है या एक्सप्रेशन है उसको कन्वे करना उस छोटे से टाइम में सारी गेम उसकी है फिल्म डिफरेंट hmm. है ना hmm. हाँ, एक थिएटर का बिल्कुल इससे डिफरेंट है तो गए आप और वो आखिरी सीट पे जो बंदा बैठा है उस तक अपनी आवाज को पहुंचाना वॉइस की प्रोजेक्शन है है उसकी पिच डिफरेंट से मेहनत भी ज्यादा है में 10 सीन करने इसमें एक दो सीन करने उतना ही टाइम है भी ज्यादा लगा हुआ है ध्यान भी ज्यादा है पैसा भी ज्यादा लगा है मेहनत भी ज्यादा है एक एक शॉर्ट डिटेल फिल्म में रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा है तो वो नजर भी फिर जरा डिफरेंट आता है और कॉल टाइम्स ऐसे हैं कि आपको लगता है आपने <laughs> <laughs> अच्छा मैं तो है, मैं सुबार, सुबार, एम, I मेरे इस फिल्म में सवा तीन सीन्स हैं। तीन हमने अभी रहा था, तुमने अपने, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया यार। इस फिल्म में जुनेद भी है So, उसमें यही कॉल टाइम अब्दुल कादिर साहब बुला घंटे पहले mm. और मेरी आदत है टाइम पे पहुंचने आप की बैठा हूँ मुझे भी यही बताया जा. गया था बारह बजे आपने पहुंचाने मेरा साढ़े ग्यारह बैठा हुआ था mm. तो आ, मैंने आपकी एनर्जी देखी थी पहले सीन में जो थाने थाने वाला शूट था आई वॉज अमेज क्या एनर्जी है अच्छा ये बात बताए मोमेंट्स ऑफ डिसमेंट्स कोई सेट में आप आपको लगा हो कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे कोई स्क्रिप्ट राइटर से या साकेब भाई से जो डायरेक्ट कर रहे मजे की बात साकेब इतने वेल प्रिपेयर्ड थे कि एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि अच्छा इस सीन को यूं नहीं यूं शूट हो रहा है नॉर्मली एक्टर्स की अपनी परसेप्शन होती है वो अपने आइडियाज भी अपने डायरेक्टर के साथ शेयर करता और कहीं गलती से मैंने किया भी कि साकिब मुझे लगता है ये और थोड़ी देर के बाद जब मैंने साकिब को देखा कि उन्होंने में में जो शॉट लिए हैं वो इतने और थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ डिड आई टेल हिम आपको जरूरत नहीं है आइडियाज की mm. लेकिन ये वो so, इतना था mm. Mm. कि अगर मैंने अपने कैरेक्टर के लिए दो तीन चीजें बोली

उनको इमोशंस का इतना ठीक से पता है hmm. कि मेरा एक रोने वाला सीन था इनके साथ गाड़ी में अब सब कमर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको 100% डिलीवर करने की कोशिश कर रही थी और मैंने अपनी तरह से कर दिया hmm. अब सा की वो लाइक नहीं वाह <laughs> ये ये नहीं है एंड आई एम लाइक क्या <laughs> है मेरी <फिरी? laughs> कोई आई थिंक 22 टेक्स हां 20 टेक्स और so कोई या यार लाइक मैं एक टेक में कर कर जाती हूं वो एक सीन जो उनको चाहिए था वो एक्सप्रेशन था खाली वो रोना भी नहीं था वो रोने के बाद यूँ देखना था खाली देखना था। वो देखना उनको वो नहीं मिल रहा था जो वो चाह रहे थे और वो बिल्कुल ठीक थे वो बहुत देर के बाद मुझे समझ आई लेकिन मुझे जब समझ आई मेरे को इतना हंगरी बच्चा हूं ना हम इतना हंगर है मेरा एज एन एक्टर कि मुझे भी होता है कि अच्छा और मैं नया और अच्छा क्या कर सकती हूँ और ऐसे अगर डायरेक्टर्स मिल जाएंगे सो एक्सक्यूज मी <coughs> तो फिर बात ही मजा आ जाता है आप तो तो सामने खिलाड़ी से अच्छा। प्यार हो ना फिर ख्वारी नहीं लगती नहीं लगती अच्छा। अगर ना हो ना आप दिहाड़ी लगा रहे हो फिर बंदा कहता है और ऐसे डायरेक्टर्स भी बहुत कम मिलते हैं ना जो आपसे फिनिश की खातिर और बेहतर करवा रहे हैं

बस कोई आपको मिलना चाहिए या कोई देख ले आपके अंदर ये गिराया जैसे तो सॉरी आप कुछ कह रहे थे सो लाइक दिस वाज बिफोर सोशल मीडिया ओवर तो हाउ डिड यू गाइस मेक योरसेल्फ आउट देयर

No, no, it happened to me. Like मुझे याद है कि वो पी टी वी वो रूम में पहले तो रिहर्सल होती थी ना डटर्स आते थे डायरेक्टर बैठे शाह अहमद चुख्ई साहब थे वो बैठे हुए यूं करके और जो मेन कैरेक्टर लड़की करी वो आई ही नहीं अब वो यूँ परेशान बैठे पूरी कास्ट बैठी है अला जन्नत नसीब करे जमील फखरी साहब थे कमल आबा थी खालिद भट्ट साहब थे तो मैं यहाँ हाँ बड़ा हैप्पी बच्चा देखने आए हो शूटिंग क्या शूटिंग होगी <laughs> तो उनमें एक और कैरेक्टर कही थी रूही आप जो मुझे मम्मी की जो म्यूचुअल फ्रेंड और हमारे वो फैमिली के लोग हैं तो वो मुझे कहती चलो चलो मैं तुम्हें नहीं चलती और मुझे भी थोड़ा कीड़ा था बचपन से एक्टिंग का और जो आप जिसकी बात कर रहे हैं <laughs> तो मैं आ गई तो मुझे उन्होंने ऐसे क्लासेज नीचे करके आपकी तरह पहने हुए थे भी आप पेपर देख रहे हैं वो मुझे देख रहे थे उस वक्त तो उन्होंने देख के कहा कि आप एक्टिंग करेंगी मैंने ने 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 तो आप बनना चाहती हैं? तो मैंने है। कहा पर... मैं मतलब हम घराने की इतना पर्दा था हमें और तो इजाजत ही नहीं थी दिया आप, ये, ये जो लाइन है इस लड़की की बोल के दिखाया मैंने बोले बस यही तो करना चलो 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 बच्चे थे रूप होता था वहीं कपड़े पहनाए उस वक्त तो कुछ पता नहीं होता था जिससे जैसा लाहौर लाहौर तो मेकअप किया और नीचे फ्लोर पे गए पहला सीन किया और स्वभाग कमर को पता भी नहीं था क्या कर रही है और पहले सीन पे मुझे अपलॉज मिला बड़े तालियां आई डिड इट चलो यही काम करना है <laughs> 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 मैं बाहर निकली एक लॉन का शूट करने के लिए कोई साहब थे उन्होंने शूट करवाना था तो उन्होंने ऐसे देखा मुझे लिटरली मैं वॉक दे रही बड़ी हाई हील्स पहनी अपनी तरफ से मॉडल बन के निकली मैं तो मुझे कहते हैं आप लॉन का शूट करेंगे मेरे पैसे मिलेंगे <laughs> पहला सवाल मेरा बहुत <laughs> बड़ा बनिया मैं कहा पैसे मिलेंगे कहते हैं हाँ मैंने कहा कितने पर आउटफिट टू थाउजेंड में का मैंने कहा कितने आउटफिट है कहते हैं फिफ्टी

है, वरना ये इतने कमाल है मैं सेट पे परेशान हो जाती थी भूलती नहीं। कभी पूरी नहीं हुई या कुछ हो गया तो आप ब्लैंक हो जाता ना एक्टर सेट पे आगे तो जिबरान कोई कभी पहला बंदा मिला जो मुझसे भी ज्यादा तैयार आया सेट के ऊपर तो जिबरान काफी बड़ी ज्यादा

समीना अहमद ने बॉन्ड दिया oh कराची पहुंचा oh कैसे आ, कैसे मैंने शुरू कॉमेडी से किया था आ, 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 आ. मैंने शु, शुरू कॉमेडी से किया था इसलिए मुझे मुझे अहमद भट्ट वगैरह ब्रिलियंट कॉमिक्स हैं तो है। मुझे कॉमिक टाइमिंग की वहाँ समझ आ गई थी उनके साथ काम करने वो और बात है टीवी में फिर सीरियस सीरियस करते मौका नहीं मिलता फिर यहाँ थोड़ा सा वापस रिकॉल करके कोशिश की नोट आ, ने हाँ, हाँ, हाँ. यार मैंने मेरा तो जो है वो से हुआ आ, पहली दफ़ा देखा इस्लामा में और देख क्या ब्लोन के ये कौन लोग हैं और मेरे साथ तो मेरी दोस्त थी उसने मुझे कोनी मार के कहा कि ये तुम्हारे लोग हैं तो ही हो तुम्हारी तो आदत थी मैंने कभी स्कूल नहीं किया लेकिन लोगों को हंसाना हर हमेशा से आदत थी तो उसमें ऑडिशन्स वगैरह को उन्होंने अनाउंस किया ऑडिशन दिया और पहले प्ले में ही माशा लीड सेलेक्ट हुआ कोई पाँच छः सात साल इस्लामाबाद में जॉब्स के साथ साथ वहाँ थिएटर किया और फिर अनुर मसूर साहब के जो पोलिटिकल साटाइज यहाँ पे हुए सवा चौदह अगस्त पौने चौदह अगस्त उस वो मेरे पुराने दोस्त थे

<laughs> मतलब ऐसे कैरेक्टर होते हैं बकायदा होते हैं बंक करके कैंटीन की स्टेज पे बैठ के बर्गर आप ही यार क्या क्या सारा थे। थे। सारा सीन कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करी उसने कोई ऐसी बात की कि यार ये लोग तो कोई और ही ब्रीड है वो मैंने और ब्रीड किया है बस एक्टर बन कह रहे ऐसे थोड़ी बनते हैं एक्टर तू बन के दिखा मैं कह सौ रुपए की शर्ट लगा ऐसे शुरू हुआ था तो मेरे आला तो कह रहा था तू नहीं कर सकता <laughs> उसको बताने के लिए मैं था इस काम तो अभी तुम जिंदगी में अब वो आई सर्जन है लंदन में हम पे <laughs> रहे। में अच्छा आप थिएटर क्या बता रहे थे आपने बॉम्बे से भी पढ़ा तो थिएटर ड्रामा एंड देन मैंने थिएटर नहीं किया थिएटर किया नहीं दैट इज वन थिंग आई व्हिच इज मिसिंग इन माय पोर्टफोलियो आई वुड लव टू डू दैट बट अब समझ नहीं आती अब कौन hmm. कराए कैसे कराए थिएटर नहीं किया बट शेयर एक्सपीरियंस मैं आई आई डिड द डिप्लोमा फ्रॉम बॉम्बे में में 2008 3-4 साल कराची में काम करके गया मुझे लगता है पढ़ाई अच्छी होती है किसी भी चीज में जब आप करते तो उसके ऊपर पढ़ भी लेना चाहिए आपका और यू नो विजन अच्छा होता है तो मैं गया मैंने वहां पे 6 मंथ्स का डिप्लोमा किया इट वाज अमेजिंग आई मीन दे एक्चुअली टीच फिल्म एक्टिंग डांस क्लासेस फाइट क्लासेस वो सब उनका वो होता है बॉडी लैंग्वेज और स्पीच का वो वो सारी चीज़ें तो कुछ चीज़ें तो मेरे लिए नॉर्मल थी मैं चार साल एक्टिंग करके गया हुआ था मतलब आप सोचे मैं पठान पठानूँ और मैं दो हफ्ते बाद डिक्शन की क्लास मैं लेता था क्योंकि वो जो डिक्शन की क्लास खातून लेती थी तो उसने दो लफ्ज गलत बोल दिए उर्दू में मैंने उसको टोक दिया सही। उसे बोला आप आई यू न्यू स्टूडेंट मैंने कहा यस मैम आप कहाँ से हैं मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ ओह उसे सिर्फ ओह बोला उसके बाद उसने hmm. दो क्लासेस में और को, कोई कोई ताल्लुक को ताल्लुक बोल दिया क्या बोल दिया तो उसने मुझे फिर बाद में कहा जिबरान आई बी ऑनर्ड अगर ये क्लास आपने wow. फिर चार महीने wow. मैंने पढ़ाया उनको उनको पता ही नहीं है पठान उन्हें उर्दू पढ़ाता रहा <laughs> 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 wow. तो पढ़ाया <laughs> <laughs> वो पढ़ाने उन्हें लेकिन अदरवाइज इट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस वो डांस क्लासेस मेरी अब जाके काम आई थोड़ी सी ओके फाइट का मौका नहीं मिला अगली किसी फिल्म में फिर वो भी कर लेंगे अच्छा वो एक्सप्लेन करें कि आपका जो एक्टिंग प्रोसेस है आप तीनों का आपके सामने एक स्क्रिप्ट आता है इट्स अ लाइफलेस पीस ऑफ पेपर ठीक है हाउ डू यू क्रैक द कैरेक्टर और उसकी टोन क्या रखनी है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी वो चलेगा कैसे वो पलटेगा कैसे हाउ डू यू क्रैक दैट आई डू सबसे पहले तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आता है मैं पढ़ती हूँ मैं कभी भी ऐसे साइलेंस में नहीं पढ़ सकती यू नो दैट I don't know, बाकी एक्टर्स करते कि नहीं करते मेरे हर सीन का एक मूड होता है फिर उसका एक म्यूजिक होता है mm -hmm. तो वो बैकग्राउंड में मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ पढ़ती हूँ उसको विजुलाइज़ करती हूँ कि अगर इसको मैं कर रही हूँ तो कैसे करूँगी इसमें क्या चीज़ें हम ऐड इन कर सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये जो थाने वाला सीन था जिसमें आप पिटाई करते हुए

कप्रेप जो होता है किसी कैरेक्टर का वो hmm. यही तरीके का है कि मैं म्यूजिक सुनती हूँ वो रिलेटेबल होता है उसके साथ फिर उसके बाद मुझे वो बनाना उसकी सुर समझ आ जाती है hmm. ऐसे ही जैसे गाना है hmm. गाने के सुर होते हैं एक्टिंग के सुर भी होते हैं कैसे डिलीवर करना है कैरेक्टर को कैसे ए टू जी लेकर जाना है उसको कैसे बनाना है, उसका ग्राफ कैसे बनाना है? So मुझे वन स्पेल बैठ के करना है मे बी टेन डेज और वन वीक उसके बाद ए मेरा पर्सपेक्टिव है कैरेक्टर को लेके फिर मुझे मेरे डायरेक्टर का जानना है क्योंकि एक डायरेक्टर और एक्टर का सेम पेज पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है True. Uh, तो मुझे लगता है कि हमेशा अपनी नहीं मनमानी चाहिए जब सामने वाला इंसान <laughs> और आपका डायरेक्टर जो कि अपना पर्सपेक्टिव लेकर आया है उन्होंने hmm. एक कैरेक्टर uh, के मैनरिज्म सोचे हुए हैं आ, वो हो सकता है आपसे बेहतर सोच रहे हो तो मुझे उनके आइडियाज शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होती मैं ये जो तो चले मैनेजमेंटम की बात हो गई ना अब जैसे आपने स्क्रिप्ट देखा और आपको लगा कि इसके बाल बड़े होने चाहिए और आपके छोटे थे उस वक्त बाल और आपने शुक्र किया कि कोविड वाला ब्रेक आ गया साकेब तो, बाल छोटे करवा रहा था पहले उसने मेरी अजीब सी शेव भी बनाई थी एक बस एक पिक्चर है जो कि वो ऐसी नहीं थी वो अच्छा ये वाली नहीं थी उसमें ये जो मूंछ कटी होती है यहाँ एक मक्खी होती है वैसी थी साकिब ने कहा मुझे वैसा चाहिए मैं करके भी आया जब साकिब ने मुझे देखा मुझे तो अपना आप थोड़ा हॉट लग ही रहा था उसने भी मुझे कुछ बोला नहीं हमने एक टेस्ट रन किया था तो उसके बाद वो कोविड आ गया तो जब मैं दोबारा आया मैंने बाल बड़े किए और मैं फिर अपने गेटअप में फिर मैंने साकिब को बोला साकिब मैं गेटअप बना के आ रहा हूँ ये जरा देख लेना अगर पसंद ना आए तो फिर हम कुछ बात करेंगे तो मैं अपना गेटअप बना के गया उसके पास ही लाइक क्योंकि वो फिर मुझे वो नहीं समझ आ रही थी बट ही लाइक इट ही यार यू आर राइट अच्छा यहाँ पे वो मैं ठीक था लेकिन जब आपकी वाली बात के मैं 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 बहुत डायरेक्टर्स एक्टर हूँ मेरा ना मैं समझता हूँ मेरा क्रिएटिव बॉक्स है ना अब अगर मैं उसमें जितना भी खेलूंगा एक सर्टन जगह पे जाके मैं वहीं घूम रहा हूँ तो उस में, मेरा enhance होता है काम। so do you welcome मेरा opinion. ये पूरा कैरेक्टर साकिब ने डिजाइन किया ए टू जी मैं तो उसके बाद जाके बोला बता भाई करना क्या है मैं तो फिर वही मुझे कर दूंगा जो एक एक मैं आसान भी हो जाता है जब आपको इतना अच्छा डायरेक्टर मिलता है जिसको सब पता है तो Uh, कहीं ऐसा भी होता है जहां कुछ पता नहीं नहीं होता होता वो अपने एसिस्टेंट से रहा दिन में में क्या, क्या, क्या <laughs> <था>? <laughs> <laughs> भाई ने स्क्रिप्ट पढ़ा <laughs> oh <God, laughs> काम कैसे होगा so, प्रेशर uh, ज़्यादा आ जाए। like to to है है आई लाइक द डायरेक्टर टू डायरेक्ट अपना बीच यकीन

अगर कैरेक्टर बहुत कमाल है और स्टोरी कोई बहुत एक्स्ट्रॉडरी नहीं और मैं इस वक्त टीवी की बात ज़्यादा करूंगा बहुत ज्यादा फिल्म की एक criteria, think, थोड़ा सा और टीवी पे अच्छा काम होता है हाँ। नंबर तो वन क्या, क्या मैंने ऐसा पहले किया हुआ या नहीं सो so, अगर तो नहीं किया हुआ तो फिर कितनी एक वेरिएशन है पिछले में से यू नो लवर बॉय इज टिमिड लवर इज इन एग्रेसिव लवर इज ई नेगेटिव कैरेक्टर इज या साइकोपैथिक कैरेक्टर क्या उसके नू हैं और अगर कैरेक्टर uh, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी ना हो hmm. और ओवरऑल स्टोरी ऐसी हो जो दिल चाहे कि यार ये ये स्टोरी अच्छी लगेगी लोगों को hmm. मेरा कैरेक्टर यू नो ऑल बी एट इतना कोई रिमार्केबल नहीं है hmm. तो फिर भी वो एक मेरे लिए क्राइटेरिया स्ट्रांग बनता है hmm. कि ये मैं अपना पार्ट तो प्ले कर लूंगा द स्टोरी ओवरऑल इज द विनर इवन इफ द कैरेक्टर इज नॉट स्टॉकली डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग आई हैव डन बिफोर So that's pretty much it. Uh, as soon as those one of those two things is uh, significant enough, तो फिर वो drama कर लेना चाहिए. Select करें. बाकी आप सबसे ये सवाल कि what's the most uh, challenging role that you've done? so far Mujhe and हर कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग लगता है चाहे वो मीता थी चाहे वो बागी की कंदील थी चाहे वो चीख की मन्नत थी और उससे पहले सन्नाटा उल्लू बराए फारूक ने देयर सो मेनी मैंने तो हर बार एक्सपेरिमेंट किए अपने कैरेक्टर्स के साथ मुझे तो काफी चैलेंज फील फ्यू आस्क मी ऑनेस्टली फॉर मी द मोस्ट चैलेंजिंग वाज दिस कैरेक्टर

खामोश तबाह और सीरियस है अल्लाह की कसम ये बिहाइंड द कैमरा इतना इतने बड़े मस्करे इनसे अच्छी कॉमेडी कोई कर ही नहीं सकता <laughs> तो वो ये मिलने था क्या रहे ऑथेंटिक लगे अब लेट्स सी लेट्स होप फिंगर्स क्रॉस ज्यादा आपका कोई चैलेंजिंग रोल

बिकॉज uh, उनके डायलॉग्स बहुत अप्रिशिएट होते हैं मशहूर होते हैं वो इंसान इतना कोई खालस इंसान था वो कैरेक्टर कि स्क्रिप्ट है। पढ़ते हैं ना yeah. तो स्क्रिप्ट में <laughs> आपने पहले भी एक सवाल किया था कि hmm. राइटर भी बहुत सारे ऑब्वियसली हिंट्स छोड़ता है ना आपके yeah. कैरेक्टर के लिए hmm. वो आपको पढ़ के पता लगता है कि अच्छे किस हद तक क्लेवर uh, है कमीना है बड़ेवर तो इसके में डायलॉग्स पढ़ता था कहते थे यार ये तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ही सच बोल रहे हैं

Hmm. आपने एक फीलिंग देनी है इम्पैक्ट हो गया अभी जो मैंने सरमत के साथ फिल्म की है कमली हिना का जो कैरेक्टर है मैंने hmm. सारी ज़िंदगी बड़े सबस्टेंशियल पावरफुल एम्पावर्ड वमेन के कैरेक्टर जितनी भी औरतें hmm. की हैं अभी तक चाहे वो उमीना है मिसेस मिस शमीम की या कंदील है बागी की hmm. तो ये वो सारे बहुत फुल ऑफ लाइफ oh. और स्ट्रॉग कैरेक्टर्स हिना जो है वो जहाँ कुछ नहीं करने के लिए होता और आपको मैसेज कन्वे करना हो वहाँ बहुत मुश्किल होता है ऐसे जैसे नो no मेकअप है आपको करना भी और नहीं भी करना नहीं। वो कैरेक्टर्स करना बहुत मुश्किल तो मुझे मेरे मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे मुश्किल कैरेक्टर हिना का है कबली का वो भी देखेंगे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू टू इट इट इवन आई एम लुकिंग मैंने क्या किया मुझे ये देखना है खतरनाक मुझे वो इमोशंस कन्वे uh, करने थे जिसमें मैं बोल नहीं सकती थी लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे एक्सप्रेशन तो आंखों से सिर्फ मुझे कन्वे रहा था उसका वो वो बहुत मुश्किल मुश्किलोश एक्टिंग करना हार्डली दो तीन सीन जिसमें ट्रेलर कुछ बता क्या है ना कि आफ्टर ईद हम उसके प्रमोशंस के लिए कोई ऐसा रोल आप लोगों के करियर में जो आप चाहते हो कि यार ये मैंने करना है आ, मैं तीन चार दिन से इंटरव्यूज में यही बता रही हूँ कि मुझे पॉलिटिशियन बनने का दिल चाह रहा है कि मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिशियन का कैरेक्टर करना चाहती हूं। तो नहीं नहीं, किस किस आप बनाना चाहेंगे भी तो बड़े मसले बनने देंगे बहुत मसले बने मसले, है, मसले है। इदारों के मसले और इरादों के मसले बहुत सारे पॉलिटिशियंस का मिक्सचर एक कैरेक्टर करूँ क्योंकि सारे तो सेम ही है आइडिया ऑफ लाइफ तो सेम ही है डिलीवरी तो सेम ही है हाँ। लाइफस्टाइल सेम ही है तो मुझे पॉलिटिशियन का कैरेक्टर करना है नाइस nice. हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर कोई चीज पनी नहीं है पर से के लाइक फिल्म आई थी बनती है तो उस थी में चली उसमें भी तो <laughs> <री -वर्क, laughs> <री -वर्क, laughs> था उसको कुछ किया लेकिन के नाम चेंज किए फिर इनडायरेक्टली मिनिस्टर दिखाई है वो क्योंकि जिंदगी ने कभी इजाजत दी और मुझे लगता है कि कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी टू प्ले वंस अगेन जिना बट दिस टाइम ऑन कैमरा फिगर डेट वी कैन प्ले उनको माना वैसे <laughs> <उस तक, laughs> तक, तक की हिस्ट्री भी जो है ना वो

लोग बैट बैट लोग बहुत बहुत पे तो भी तो तो भी 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 हैं और और गलत जगह हाथ हाथ रख देते इंसान यार मुझे किसी ने नहीं एक चीज़ ये कि हम भी, हम हम एक्टर्स भी गलती का मार्जिन रखते हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं हमसे गलती हम कौन से कोई दूध के धुले हुए हमसे गलती नहीं हो सकती लेकिन हम जब गलती करते हैं वो दुनिया के सामने होती है उसको हम चुपाना एक और भी ये खानदान वाले कहते हैं यार तुम तो एक्टिंग करते हो काम क्या करते हो हाँ, अरे हाँ, नहीं। और इवन आप रिलेशनशिप yes. में भी हो तो होता है मेरे साथ ड्रामे नहीं करना oh, oh, वो जो लाइन आपको हिट करती yeah, है ना

<स्यान> बताता हूं, बताता हूं, नहीं ठीक है, आ, अच्छा, अच्छा, वे। आ, है ना, ना सो आप कर ले पहले आप, नहीं, नहीं, आप बोलते रहे आप बोलते रहे। <स्यान> रहे। हो गया तुम्हारा हो, हो गया मजा आता है ना इधर उधर घूमते रहते मेरे बेटे जो है ना वो देखते हैं अब वो देखते हैं कहीं भी जा रहे है बाबा तो मतलब ल्फी उधर पिक्चर ah. इधर पिक्चर उधर पिक्चर mm. कहीं भी कोई पब्लिक जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर रोके पिक्चर क्लियम सो वट एवर दैट इज क्रिएटिंग इन देयर माइंडिटी समथिंग आई के डू नथिंग अबाउट मैं उसको डाउनप्ले जरूर करता हूं मैं उसको mm. जरूर डाउनप्ले करता हूँ यू नो वायस पिक्चर वॉन्ट पिक्चर कहते हैं बिकॉज यू आर फेमस नो बेटा बिकॉज दे लव टू सी

It's there. It's equally important. Now. ये बस इनको थोड़ा सा एक्टिव होने की देर है वरना ये दोनों बहुत कमाल है पर ये इतने सुस्त है ना स्टोरीज लगाएंगे ना रोज पिक्चर्स लगाएंगे, लगाएंगे मैं लगाती हूँ हाँ, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है आ, आ, इनका मैं ये है जब मुझे मिलते तो मैं कहती हूँ क्यों नहीं लगाती थोड़े से डायनामिक्स ही फर्क है ना देखो मतलब अब

Okay. और मैं इसके फॉलोअर्स हैक कर लूंगा दैट्स <laughs> इजी <ले। That's> <laughs> पास ये करने का टाइम है करने कर कर का पाकिस्तानी सुस्त मेहनत नहीं करेगी कि किसी uh, का लेके खाने। मेहनत है। उसमें भी किसी का हक करोगे हाउ इज दैट अ चैलेंज फॉर यू जैसे मैं आपने ये भी मेंटेन रखना है बट यू दैट व्हाट लाइक लाइक सोशल मीडिया आपने अपनी एक्टिंग मुझे तो बड़ा मजा आता है मैं तो बहुत एक्टिव हूँ अभी भी ये लोग शायद एक आध इंटरव्यू दे के लॉन्डे चले जाते हैं है मैं तो हर इंटरव्यू के बाद कपड़े चेंज कर रही हूँ शूट करा रही हूँ मेरे सोलो इंटरव्यूज भी है इसके लिए आपको शौक और वो चाहिए है यार मेरी बीवी के मेरे से ज्यादा फॉलोअर है उसको शौक है वो दिन में टाइम लगाती है दो तीन घंटा इंस्टा पे तस्वीर नहीं कर सकता

करने के लिए लिए मैं सुना। हाँ। अगर आप जैसे शुरू शुरू में मैं बिल्कुल जब नई नई आई थी सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लगाया एक फोटो लगा के अब अपने दोस्त को कह रही यार ये फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़े कहते क्या लगाया मैं कहा महीना पहले एक फोटो लगाई थी क्या <laughs> क्या देखने आएंगे मैं कहा क्या मतलब रोज फोटो रोज लगाना, है रोज स्टोरीज लगानी रोज सर, है एंटरटेनमेंट मिलेगी तो उनको होगा ना कि सबा की लाइफ में क्या चल रहा है मैं कहा वो अच्छा ऐसा हमारी लाइफ में क्या बस वो दिन ये दिन मैं रोज सर लेकिन लेकिन बहुत साइन होगी ये फैंटसी होगी कि जिब्रान अपना दिन कैसे गुजारता है जो डेली व्लॉगिंग जो ये चलती है ग्लोबली वो यही क्या है जो हमारे स्टार्स हैं

And I, I don't have friends. Yeah, oh, 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 it's very lonely at the top. Friend, तो हम जाके मेरे दोस्त भी हैं, मेरी बीवी भी है मेरे पास चार बिलियां भी है

And that makes you the real you. और मुझे ऐसा लगता है कि लोग देखना भी नहीं चाहते hmm. कभी नहीं कभी हम भी शीशे के सामने अपने जो फ्लॉज है उनको नहीं देखते और hmm. उनको हाइड करने की कोशिश करते हैं hmm. लोगों so, को भी हमारे परसौना से प्यार होता है जो टीवी hmm. पे देखते हैं। कि आपको हर वक्त वर्कअप

क्या है, 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 है नहीं है ना हाँ, कैसे, 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 कैसे तो, अच्छा हाँ, कुछ लोग कुछ लोग ऐसे कि उनकी असल आवाज कभी आप सुन ही नहीं सकते एक साहब है जिनका नाम मैं नहीं लूंगी मैंने उनके साथ काम भी किया और एक दो यू नो कर एक बात बताना चाह रही हूँ की वो एक ऐसा मोमेंट ऐसा है टाइम ऐसा है की वो कंफर्टेबल हो गए तो उनकी असल आवाज मैंने पहली बार सुनी और मैं कहा ओहो ये तो ये तो बेचारा इतना एक्ट करता है 24/7 आप कैसे एक्ट कर रहे हो मेरे साथ तुमने मुड़ के अरे शफीक थी तो तू निकला मैं 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 इन लोगों के साथ नहीं हूं ये पता नहीं कौन अ अ हां सलाम अलैकुम जनाब कैसे हैं आप मतलब इंसान बन क्या ये

अच्छी सेंस में करने पार्टियां भी करनी पार। भी और एक ये भी है कि हम एक्टर्स इतने कैरेक्टर्स करते हैं और सम्हा कहीं ना कहीं में रह जाते हैं और वो नहीं निकलते और एक वक्त आता है घर जागे नहीं नहीं ट्रस्ट मी मैंने ये फील किया है और मैं इसकी रिसर्च में हूं कितने हमारे पुराने एक्टर्स हैं जिनकी स्टोरीज हैं खुदकुशी कर ली मर गए पागल हो गए Depression घर छोड़ दिया डिप्रेशन में चले गए mm. बहुत बड़े बड़े सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बॉलीवुड हॉलीवुड में हम इतना होते तो ये एक बहुत डार्क yeah, mm, yeah. so साइड है अगर इसको एक्नॉलेज करें और

केस अल्लाह का शुक्र है अल्लाह के सामने झुकने से जो है ना वो बहुत रिलीजन oh, so so हाँ. yes. जो भी है ये भी, भी टेम्प्रेरी है ना बस टेम्प्रेरी थे नहीं yeah. जो भी yeah. है yeah. जो लोग अल्लाह के लिए थोड़ी सी जिंदगी जी लिए वो mm. कहीं पहुंच गए ना व्हाट आप एस्पायरिंग एक्टर्स थिएटर आर्टिस्ट आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इफ यू वांट चलो भाई थिएटर की बात हो रही है एस्पायरिंग थिएटर यार देखें अगर आपके अंदर जिसने हम सब ने कहा कि वो पैशन था वो कीड़ा था अगर तो आपके अंदर पाया जाता है तो उसका इलाज कराने से बेहतर है कि उसको एक दफ़ा ट्राई करे हाँ उसको उसको इनर कॉलिंग को जरूर एक्नॉलेज अगर इनर कॉलिंग नहीं है तो फिर इस इन कामों में बिल्कुल मत आना अगर तो सिर्फ फेम और हीरो बनना तो है मैं, मैं, मैं एक यही बात करूंगा कि एक्सीलेंस के लिए आओ

ंग थिंग हाउ डू यू फील अबाउट दट न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई बिलीव सोशल मीडिया इज द वर्स्ट प्लेस टू गेट यूर न्यूज है इट्स ऑल फेब्रिकेटेड नो बडी नोज ट्रू दो पार्टियां ए तू झूठा तू झूठा तीसरा कहता है भाई कौन झूठा और कभी yeah. कभी क्या होता है कि किसी को आप से कोई ग्रज है तो उसने आपके लिए लिख दिया है और बेचारी मासूम आवाम जिसको पता ही नहीं है कि उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी के लिए भी कुछ लिख लेगा और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता एक्टर्स बेचारा कुछ नहीं कर सकते एक्टर कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसकी चीजें उसकी बातें उसकी प्राइवेट लाइफ हर चीज रह जाओगे बस और लाइफे किसी को नहीं पता होगा जिस तरह पहली वाली खबर फैलती है उस तरह आपका डिफेंस नहीं फैलेगा कभी भी नहीं वो जो ने एक एक बड़ी अच्छी बात की इंटरव्यू में मैंने सुनी इफ यू वॉच द न्यूज If you don't watch the news, you are uninformed. Hmm. If you watch the news, you are misinformed. misinformed. Yeah. So what's the point? So uh, yeah. hey so yeah. Asaan Instagram ka explore <laughs> button hai na. Uske. <laughs> <laughs> Home, <laughs> uh, home pe rahe hai, profile uh, wo news hoti. Yeah. Yeah. Mm. Yeah. Wo

एक चीज होती है, it, but ने ने <laughs> तो है। <laughs> आप की हाँ बी कंटेंट दैट्स ए गुड थिंग बट एस्पायर करो और से और एक चीज होती कि आपको हाँ ये पता लगे कि आप हो, हो actor, कि वो हाँ, तो पता चल जाता है, है। that that there, मुझे जैसे आपको जब समझ आती है ना कि, जब लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करें आप तो बहुत फेमस है एक्टर को तब काम की एबीसी समझ आती है मेरे सीन में तो यही yeah. हुआ है कि 2015 के बाद मुझे थोड़ा सा लगा है कि अब मजा आने लगा है मैं कैरेक्टर्स mm -hmm. को समझने लगी हूँ मैं उन्हें बनाने लगी हूँ mm -hmm. उससे पहले तो ना समझी में इतना टाइम गुजर गया और लोग उसको भी अप्रिशिएट कर रहे थे आई फील ब्लेस्ड जबरदस्त सो इन द एंड घबराना नहीं कब आ रही है ईद के पहले दिन आ रही है इंशाल्लाह ईद उल

जो हमने पहला हमने नहीं जो हम जो पहला सीन था तो so मैंने आपको जो एग्जिट वाला तो so उस दिन सेट पे आई सॉ यू फॉर फर्स्ट टाइम और वहाँ पे कोई डेढ़ सौ बंदे थे और पांच ही लड़कियाँ थी

ये देखना नहीं भूलिएगा टिकट्स लेके जाइएगा पॉपकॉर्न शॉप शॉपकॉर्न लेके एंजॉय कीजिएगा oh. जाहिद अहमद जिब्रान सबा कमर और जुनेद अकरम की तरफ से खुदा हाफिज़ इंपोर्टेड गवर्नमेंट ना मंजूर थैंक यू गाइस जुनेद इट वाज रियली गुड थैंक यू सो मच आरती काटना होता <laughs> लगा दे लगाना होगा